नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूँ आपका सी लॉर्ड न्यूज। 120 दिनों के ब्रेक के बाद फिर लगेगा आम लोगों को झटका। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं, चाहे वो चुनाव में नेताओं द्वारा एक दूसरे पर मन चाहे बयानों का हमला हो या फिर इलेक्शन के बाद पेट्रोल डीजल का भरना। जब लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर पर होते हैं तब डीजल पेट्रोल के दाम को डेली रिवाइज करने का काम रुक जाता है। जैसे ही अंतिम चरण का मतदान पूरा होता है कंपनियां फिर से दामों को बढ़ाना शुरू कर देती है। करीब 120 दिन के ब्रेक के बाद अब आम आदमी की जेब पर कभी भी झटका लग सकता है। जहां एक ओर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल 14 साल के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया है तो दूसरी ओर 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का आज अंतिम दिन है। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो इस बात की आशंका है कि सरकारी तेल कंपनियां डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने की शुरुआत अब किसी भी समय कर सकती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रेंट क्रूड रविवार को कारोबार में $11.67 यानी करीब 10% चढ़कर $129.78 प्रति बैरल पर पहुंच गया। नवंबर से तुलना करें तो अभी क्रूड ऑयल 58% से ज्यादा ऊपर निकल चुका है। ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही डीजल पेट्रोल के दाम फिर से हर रोज बढ़ाए जा सकते हैं। जेपी मॉर्गन ने कहा था कि सरकारी तेल कंपनियों को डीजल पेट्रोल पर प्रति लीटर 5 से 7 रुपए का घाटा हो रहा है। जब यह रिपोर्ट आई थी तब क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के लेवल से कुछ नीचे ही था। अभी क्रूड उस स्तर से 30% से ज्यादा चढ़ चुका है। इस तरह देखे तो अगले कुछ ही दिनों में डीजल पेट्रोल के दाम ठीक ठाक बढ़ने लगेंगे। धन्यवाद।